ये रही अपनी ट्रेन, और अभी अभी यहाँ से ट्रेन से हम उतरे हैं और अभी सामान वगैरह लेके हम फिर कश्मीर गेट पे जाने वाले हैं, और कश्मीर गेट से हम बस पे देखते हैं वहाँ जाके क्या क्या मिलता है। देखिए यहाँ पे कश्मीर गेट है और यहाँ से निकलना है। अभी स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं, लगभग बाहर आ चुके हैं, और ये भाई साहब है जो हमें रेलवे में मिले थे, इनके साथ ही हमने सफ़र किया, और ये जो है वो आर्मी में है, तो इन जैसे आर्मी के लोगों की वजह से हम ऐसे चैन से जी पा रहे हैं, कहीं पे घूम पा रहे हैं, तो एक बार सैल्यूट है इन लोगों को। और ये भी अभी उनके जो उनका पोस्टिंग है वहाँ पे जा रहे हैं, तो ये भी हमारे साथ कश्मीर गेट पे आएंगे, और वहाँ से इनका फ्लाइट है तो वो वहाँ से निकल जाएंगे और हम हमारे रास्ते निकल जाएंगे। तो चलो, तो हमारा देसी रेड बुल है, कितना लो? 60 का ना। तो दोस्तों, हम अभी रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं और अभी हम कश्मीर गेट जा रहे हैं। पर पर्सन यहाँ का 20 रुपये चार्ज लिया है, और हम तीनों जा रहे हैं तो 60 रुपये हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये ऋषिकेश दिल्ली बस है, तो ऐसी बस भी यहाँ पे है। अभी हम यही देखने वाले हैं ये बस कहाँ लगती है। हरिद्वार कितना टिकट कितना है? आते जाने वाले इनको छोड़ कर। अरे वीडियो चल जा रहा है। गजब बेइज्जती है, बात कर मेरे को जानता नहीं है। कंट्रोल। तो दोस्तों, यहाँ पे जाके कुछ जो एसी गाड़ियाँ होती है उनका टिकट कुछ यहाँ पे है, तो देख के आते हैं कितना टिकट है। डिलेक्स आ रही है, 900 रुपए का टिकट है, 5 घंटे में हरिद्वार। ये देखिए हरिद्वार चढ़ेंगे, 3 बजे पहुंचेगा हरिद्वार। ये वाला गाड़ी लेंगे लोकल, रात को 9 बजे पहुंचेगा। ये गंदा गाड़ी जगह रुकता है, इसमें अच्छा लोग है, इसमें गंदा लोग है। अरे कहना क्या चाहते हो? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? टू पीपल आगे के कितना? कम से कम कितना यार? दुनिया दे रही है तो मैं अकेले दे रही हूँ। 900 बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा जैसे हम उतरे तो जो वहाँ के ट्रैवलर के एजेंट थे वो हमारे पीछे पड़ गए कि हमारे बस से आओ। तो उनसे बात करने के लिए गए तो टिकट कटवाने लगे कि 900 रुपये का एक आदमी का टिकट, और वो हरिद्वार ऋषिकेश नहीं जा रहा था, वो हरिद्वार जा रहा था। और ये देख रहे हो, ये लोकल की बस है, तो ये भी जाती है, कंटिन्यू ये बस होती है, और इसके जस्ट अंदर ही उनका स्टॉप है, बस स्टॉप है। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं क्योंकि 900 रुपये बहुत ज़्यादा है, मतलब दो लोगों के कितने हो देखो ना, 1800 उतना हो गया, तो इतना तो पैसा नहीं है हमारे पास। हम कश्मीर गेट आए थे बस स्टेशन है, तो यहाँ से हमें गवर्नमेंट की जो भी लोकल बस होती है वो सस्ते में मिल जाएगी, और कंटिन्यू बस चलती रहती है तो हमें आराम से मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं। ऋषिकेश कहाँ पे टाइम लिखा है? चलो जस्ट इंक्वायरी करते हैं कि कितना कब ट्रेन है। कोई दारू कुछ दिखा दो, कोई यहाँ पर लिखा है साधारण 12-13। दोस्तों, वहाँ पे बोला है कि प्लेटफॉर्म नंबर 12-13 पे जाओ, तो 12-13 प्लेटफॉर्म नंबर पे जाते हैं। ये यहाँ पे रास्ता जा रहा है मेरे पीछे, तो ऊपर से देखो यहाँ पे नीचे रास्ता जाता है, तो इस रास्ते से नीचे जाना है बस के लिए। तो यहाँ पे देखो बोर्ड लगे हैं, इस बोर्ड पे लिखा है कि कौन सा नंबर है, और यहाँ पे ठीक पे ऐसे केबिन जैसा बना है जिसमें हम टिकट निकाल सकते हैं। तो अभी 12 नंबर कहाँ है देखना है। हाँ, शिमला जाते हैं ना, चलो शिमला जा रही है बस दोस्तों। तो कितना नंबर है? 16 नंबर है, देखो 16 नंबर है, देखो 15। ये देखो दिल्ली देहरादून लगा क्या है? ये देखो उसके बगल में ही ऋषिकेश की लगी है, और यहाँ पे लिखा है बोर्ड पे ऋषिकेश। तो जो एसी बस होती है यहाँ, तो उनको बोल रहे हैं कि 683 रुपये लगेगा एक आदमी का,
नॉन एसी ना? नॉन एसी है। हाँ नॉन एसी है, सीट लो टिकट ले जाना भाई। हाँ देखो ये ऋषिकेश हरिद्वार ये एक यहाँ पे मतलब ये इसका जो टिकट है वो कितना है? 315 इसका जो टिकट है 315। तो इससे हम जा सकते हैं कितना टाइम लगेगा? 5.5 घंटे लगेंगे इस बस से हमें जाने के लिए। तो मेरे पीछे बस खड़ी है और इससे सोचते हैं अभी तो जाने का, आनी उनसे बात कर रहे हैं। मिल जाएगी हर बार शीघे से ही गाड़ी संचालन पूरा चार धाम यात्रा का ऋषिकेश से संचालन। हाँ पहले ऋषिकेश जाओगे शाम में, तो फिर टिकट बुक कराना कल के लिए, तब जाओगे आप, तब आपको गाड़ी नंबर बताएंगे टाइम बताएंगे। ऋषिकेश से हरिद्वार ऋषिकेश, ऋषिकेश से सोनप्रयाग मिलेगा ना कुछ? सोनप्रयाग ही मिलेगी, कल मिलेगी आज नहीं मिलेगी, ध्यान रखेंगे ना 710। तो ये रही 650 की एसी बस और हम जा रहे हैं नॉन एसी बस से। अगर आपको एसी बस चाहिए तो एसी बस आपको मिल जाएगी, ज्यादा नहीं है बस 600 कितना है? हाँ ज्यादा नहीं है बस 675 इतना ही बस का प्राइस है। तो एसी बस आपको ये मिल जाएगी और नॉन एसी बस ये रही हमारी। देखिए सीटें कुछ इस टाइप से थोड़ी सी कठिन है, लेकिन थोड़ा सा खड़ा हुआ पोस्चर है इसका, तो लेने के लिए थोड़ा सा मतलब इतना नहीं बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पर आगे बैठे हैं ड्राइवर साहब के साइड में और ये देखो ऊपर मेट्रो जा रही है। बहुत गर्मी है दोस्तों, बहुत गर्मी है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। तो दोस्तों अभी बजे हैं 2 और तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद, 2-2.5 घंटे के ट्रैवलिंग के बाद अभी जाकर थोड़ा ब्रेक के लिए बस रुकी है और हम अभी यहाँ रुके हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ खाने के लिए रुके हैं, सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया है तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और बात करें अभी तक की ट्रैवलिंग की तो ट्रैवलिंग अच्छी थी, पर यहाँ की हीट के बारे में क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा हीट है ना, मैंने अभी तक इतनी ज़्यादा हीट देखी नहीं। 41-42 डिग्री मतलब इतना बाहर टेम्परेचर था और बस में अंदर वो इंजन का हीट और विंडो से आता हुआ हीट क्या ही बताओ आपको। तो बहुत गर्मी थी अभी तक, मैंने सोचा था कि ऊपर के साइड जाऊंगा इंडिया में तो गर्मी कम होती, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और अभी देखते हैं, अभी सिटी से बाहर आए तो थोड़ी थोड़ी गर्मी कम होती जा रही है। तो अभी खाने के लिए 130 रुपये की बटर पनीर और रोटियाँ मंगाई है। तो अभी बहुत ज़्यादा ऐसे भीड़ है तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है खाने के लिए। तब तक लस्सी मंगाई है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो लस्सी मंगाई है। और ये रही अपनी बस, वहाँ पर रुकी है। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ देर पहले रेलवे स्टेशन पे कहा था कि आप नॉन एसी बस बुक करें, इसका टिकट भी कम है, लेकिन मैं आप रिकमेंड करूँगा कि आप एसी बस ही बुक कीजिए क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, कि मैं गलत था। नॉन एसी बस मतलब वैसे ओवन में बैठ के आने जैसा मुझे लग रहा है अभी तो। अच्छा तो अभी 3 घंटे लगेगा यहाँ से हरिद्वार जाने में और फिर हरिद्वार से ऋषिकेश जाना है तो ऋषिकेश को भी 2-1.5 घंटा लगेगा। तो लस्सी आ चुकी है और ये बटर पनीर रायता दिया है और नान है, नान नहीं रोटी है, प्याज दिया है। तो इतना सब 130 में आया है। क्या है, कैसा है टेस्ट? कैसा है टेस्ट? चाहिए, अच्छा है ना। तो दोस्तों ये है रुड़की और यहाँ से हरिद्वार सिर्फ 30 किलोमीटर है। दोस्तों यहाँ पे हरिद्वार रेलवे स्टेशन है, तो आप हरिद्वार रेलवे से आओगे हरिद्वार पे तो यहाँ पे रुकोगे और इसके जस्ट सामने ये देखो हरिद्वार रेलवे स्टेशन ये लगा,
ये रेलवे स्टेशन है और इसके सामने ही बस स्टैंड है, तो दोनों ही बगल बगल में है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों ये जा रहा है हरिद्वार और अभी हम हरिद्वार छोड़ रहे हैं। हरिद्वार का घाट है और फाइनली हमें पहाड़ियाँ दिखनी शुरू हो गई है। कब से इंतजार कर रहे थे इनको देखने की, तो पूरा का पूरा हाईवे था दिल्ली से हरिद्वार तक, अभी हरिद्वार में पहाड़ी दिखने स्टार्ट हो गए और ये हमें पहली पहाड़ी दिखी है देखो। तो दोस्तों ये रहा गंगा घाट और आप जो अभी देख रहे हैं नजारा, पूरा गंगा घाट का नजारा है। तो दोस्तों फाइनली हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और ये रही हमारी बस और अब ऋषिकेश से हमें जाना है सोनप्रयाग। तो देखते हैं अभी कुछ मिलता है नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि रात को अभी कुछ नहीं मिलेगा, सुबह ही मिलेगा, लेकिन कुछ प्राइवेट बस वगैरह है कि हम देखने जा रहे हैं अभी। तो दोस्तों अभी जहाँ पे हम उतरे हैं ना बस सिर्फ थोड़ी देर थोड़ी पीछे आया तो ये हमें कार्यालय मिलता है, बुकिंग कार्यालय। तो जो भी बुकिंग होती है, राफ्टिंग की बुकिंग वगैरह वगैरह सब बुकिंग यहाँ पे ही होती है ऋषिकेश में। तो अभी हमने पूछा कि बस का क्या है, तो उन्होंने बताया कि शाम को कोई भी बस नहीं जाती, सुबह लगेगी। कल अभी थोड़ा जाती है कोई गाड़ी, अभी मिलेगी आपको, अभी नहीं जाएगी। हाँ, अभी कोई गाड़ी, अभी क्या अभी कुछ नहीं मिलेगा, तो आप भी ये ध्यान में रखिए कि अगर आप 6-5 बजे से पहले आने वाले है तो ठीक है, अगर उसके बाद आने वाले हो तो यहाँ पे कोई भी बस आपको नहीं मिलेगी, तो एक डे स्टे करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम भी अभी यहाँ पे स्टे करने वाले हैं और कल सुबह की 6 बजे की हमारी ट्रेन बस है जो यहाँ से हमें सोनप्रयाग छोड़ देगी। बट बस कहाँ यही लगेगी, आपको सुबह 6:30 बजे आना पड़ेगा यहाँ। तो उसका जो टिकट है वो कितना है, 740, दोनों का 740 बस लगा है। तो एक का जो टिकट है यहाँ से सोनप्रयाग जाने का वो 370 रुपये है और सुबह 6 बजे वो गाड़ी आने वाली है यहाँ पे और यहाँ से वो हमें ऊपर सोनप्रयाग में छोड़ देगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बस लगी है लेकिन कोई भी बस अभी जाने वाली नहीं है। तो आप भी अगर आ गए तो यहाँ ऋषिकेश में स्टे करना पड़ेगा। अच्छा नहीं है जाना, अभी सोनप्रयाग में गए हम तो इमीडिएटली कल हमें वहाँ रहने के लिए कुछ मिलेगा ना बुकिंग वगैरह, क्योंकि एक डे स्टे करना पड़ेगा सोनप्रयाग में। जो भी इंतजाम है अभी हम देखने जा रहे हैं तो वो भी हम आपको दिखा देंगे। तो देखिए यहाँ तो पानी का दिख रहा है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, सब आ जाते हैं। तो आप इसे कोई होटल बुक कर सकते हैं, हालांकि मैं भी दिखा दूंगा सस्ता वाला होटल है। तो अभी हम सस्ते वाले होटल वाले जैसे दिखाई देते हैं। वहाँ पे एक था सूर्या तो वो फुल था और यहाँ दूसरा था गुंजा आदर्श, तो उन्होंने 1500 रुपये बोला। तो ये भी बुक है, तो ये भी बुक है पूरा, यहाँ भी रूम नहीं है। इतना बड़ा होटल नहीं चाहिए भैया हमें, नॉन ए सी। कल सुबह के तक बंदे कितने, दो ही बंदे, नॉन ए सी। अगर नॉर्मल चाहिए तो बताओ, लैट्रिन बाथरूम डबल बेड बता दूंगा कितना, 1000 रुपए। और नॉर्मल थोड़ा हमें सिंगल बेड होगा तो भी चलेगा, बड़ा देखो रूम के अंदर जो सर्विस होते मिलेगी। डबल बेड मिलेगा, पीछे 1.5 किलोमीटर पुराना बस स्टैंड, बढ़िया रूम मिलेगा 1000 रुपए का।
अच्छा, डेढ़ किलोमीटर है यहाँ पे। केदारनाथ जाना? हाँ, सुबह निकल, 6 बजे बस है, वहाँ से आराम से यहाँ जाना 5 बजे बस। जैसे इधर ऑटो खड़े हैं, उधर खड़े, गाड़ी से चलना तो दिला देंगे 1000 रुपए का। तो दोस्तों, अभी यहाँ से हम जना बस स्टैंड जा रहे हैं, और 1-2 किलोमीटर है यहाँ से, और वहाँ तक जाने का जो रिक्शा वाले का फीस है, मतलब रिक्शा वाले 100 रुपये का चलान काटते हैं। अगर एक आदमी हुआ तो भी 100 रुपया, 10 आदमी हुए तो भी 100 रुपया, मतलब कितने भी आदमी हो 100 रुपया। तो डबल वाला बेड मिला है और एक शीशा भी है। बाथरूम है, टॉयलेट बाथरूम है, थोड़ा ठीक है, अच्छा।